हेलो स्टूडेंट्स कैसे है अच्छा है चलिए बहुत बढ़िया हमारी भी यही उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे चलिए बच के रहिए सेफ रहिए आज साइंस और चैप्टर थर्ड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक के बारे में आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे गार्जियन के कंप्लेन आ रहा है कि आप गार्जियन से तो मोबाइल ले रहे हैं लेकिन आप पढ़ने के जगह पे आप गेम खेल रहे हो पबजी खेल रहे हैं फ्री फायर खेल रहे हैं ये कमेंट आया गार्जियन का फ़ोन आया है सर एक परेशान कर दिया है मोबाइल ले, ले लेता है और एक गेम खेलता है वैसे भी देखने के बाद भी पता चलता है वीडियो में कि कोई डेढ़ मिनट देखता है कोई दो मिनट देखता है ऐसा नहीं कि यहाँ पता नहीं चलता है कि कौन कितना देख रहा है जब आप वीडियो खोलते हैं तो यहाँ आप पूछिएगा जो यूट्यूबर हैं पता चल जाता है कि किसने जो है कितना देखा है और गार्जियंस आप पूरे दिन भर मोबाइल ले रहे हैं पढ़ने के नाम पर और खेल रहे हो गेम सारा हिसाब होगा स्कूल खुलने के बाद इस बात को याद रखना और जो पढ़ रहे हो कमेंट लिखा करो व्हाट्सएप नंबर ले लो देंगे आपको लास्ट में आप लिख के बताएं कि सर हमने पढ़ा है आप वीडियो को देखिए तभी जो है आपको समझ में आएगा और स्कूल खुलने के बाद आपको मौका भी मिलेगा नहीं दोबारा कि आपको फिर दोबारा पढ़ाया जाए इसलिए जो भी बातें बताई जा रही हैं ध्यान से सुनिए नोट्स आपके जो है भेजे जा रहे हैं नोट्स बनाइए अगर कहीं डाउट है तो आप तुरंत पूछिए कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा बता दीजिए या फिर समझा दीजिए इसलिए गार्जियन को परेशान मत करिए आप मोबाइल ले रहे हैं तो गेम मत खेलिए कॉमेडी मत देखिए कार्टून मत देखिए पढ़ाई करिए तो ये आपके लिए वार्निंग है कि स्कूल खोलने के बाद सारे नोट्स आपके चेक होंगे आपको पूछे जाएंगे क्लास में खड़ा करके कि आप पढ़ाइए हमने क्या आपको पढ़ाया तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि गेम मत खेलिए पढ़ाई के लिए चलिए चैप्टर थर्ड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स आप पिछले क्लासों में पिछले क्लास सेवन में आप पढ़ चुके हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्ट फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स एंड मैनमेड फाइबर्स जिसे हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं दो तरह के फाइबर के बारे में आप पिछले क्लास में पढ़े हैं नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर जिसे हम मैनमेड फाइबर भी कहते हैं ये जो नेचुरल फाइबर होते हैं जैसे ऊल सिल्क कॉटन जूट दीज फाइबर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स क्योंकि द फाइबर्स विच आर ऑबटेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स एंड द सबस्टेंसेस विच आर प्रिपेयर फ्रॉम केमिकल्स आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स आर सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स जो जंतुओं से नेचुरल स्रोतों से जैसे प्लांट्स और जंत और एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं ऐसे फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर कहते हैं और ऐसे फाइबर्स जो सिंथेटिक तौर पे मतलब दो या दो से अधिक केमिकल्स को मिला करके मानव के द्वारा बनाया जाता है इस प्रकार के फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर्स मैनमेड फाइबर्स कहते हैं तो ये फाइबर्स दो तरह के नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये केमिकल से बनते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के आपस में जो है ये बनते हैं आइए थोड़ा जानते हैं मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स मोनोमर्स मोनोमर्स आपके शब्द में टर्म है मोनोमर्स और दूसरा है पॉलीमर्स मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स ये देखिए मोनो दो शब्दों से मिलकर के बना है मोनो का मतलब होता है वन या सिंगल और दूसरा शब्द जो है मीरोस मीरोस से मिलकर के बना है जिसका मतलब होता है यूनिट मोनोमर मीरोस तो मोनोमर्स और पॉलीमर्स ये जो पॉली देखिए पॉली पोली का मतलब होता है मेनी और दूसरा पॉलीमर बना है पोली और मिरोस्ते जिसका मतलब होता है यूनिट तो ये मोनोमर्स करके फाइबर्स आर मेड फाइबर्स आर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑल द फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स जो भी ये फाइबर्स होते हैं वही एक स्मॉल यूनिट से मिलकर सिंगल Although, ये फाइबर्स आर मेड बाई स्मॉल यूनिट ए स्मॉल यूनिट विच इज कार्ड मोनोमर ये जो सिंगल यूनिट जिससे वह इकाई जिससे मिलकर के ये बने होते हैं फाइबर्स उसको हम मोनोमर कहते हैं और जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिल जाते हैं तो बनता है पॉलीमर्स दे फार्म पोलिमर्स तब वो जब बहुत सारे मोनोमर्स मिल जाते हैं तब वहां जो है पॉलीमर्स बनता है और देखो पॉलीमिन होता ही है मैनी और मीडोस का मतलब होता है यूनिट जिससे बहुत सारे यूनिट मिल जाए वो जो होते हैं वो पॉलीमर्स कहलाते हैं और जब ये वैन ये जो मोनोमर्स ये जो द द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म ए पॉलीमर इज नॉन एज पॉलीमेरिजेशन पॉलीमेरिजेशन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ मोनोमर्स और वह प्रोसेस जिसके द्वारा मोनोमर्स जुड़ करके पॉलीमर का निर्माण करते हैं ये पॉलीमर को बनाते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं या द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टूगेदर ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड पोलीमोरीजेशन और ये दो तरह से जुड़ कर के बनते हैं पहला जो होते हैं वेन मोनोमर्स कम्बाइन इन लीनियर फैसन जब ये लीनियर वे में जब जुड़ते हैं तब इनको हम लीनियर पोलीमर कहते हैं और वन मोनोमर्स ज्वाइन इन क्रॉस लिंक जब वे क्रॉस लिंक में जुड़ते हैं तो उसे हम क्रॉस लिंक्ड पोलीमर कहते हैं दो तरह से जुड़ते हैं एक तो लीनियर बिल्कुल स्टैंड सीधा ऐसे देखो ये ये जैसे मान लो ये ऐसे इस तरह से जब जुड़ते हैं तो इसको हम लिनियर कहते हैं लीनियर पॉलीमर और और दूसरा जैसे मान लो ऐसे इस तरह से जब जुड़ते हैं तो इसको हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहते हैं ये ये क्रॉस लिंक जो है कहलाते हैं तो दो तरह से जुड़ते हैं एक तो देखो ये लीनियर ऊपर वाला और यहां इसको हटा देते हैं ये जो लीनियर और ये जो है वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर तो इस तरह से दो तरह के ये पॉलीमर ये जुड़ करके के बनाते हैं तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये नेचुरल वही हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं अभी जो ऊल कॉटन जूट सिल्क इसके जो पॉलीमर होते हैं ये नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं और जो सिंथेटिक होते हैं जैसे नायलॉन रेन ये सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं इसी में देखो देखो प्रो इसमें जो होते हैं जो पॉलीमर्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स लाइक ऊल कॉटन एंड सिल्क आर मेड अप ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स कॉटन इज प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ सेलुलोज कह रहा है कि ये जो कॉटन है ध्यान से सुनो कॉटन इज द प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ सेलुलोज करे सेलुलोज का ये जो कॉटन होता है वो सेलुलोज का प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म होता है प्यूरेस्ट फॉर्म होता है प्रोटीन प्रिजेंटिन आवर बॉडी आर पॉलीमर ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड एमिनो एसिड और हमारे शरीर में जो प्रोटीन पाया जाता है वह वह जो होता है वह एमिनो एसिड का स्मॉल यूनिट होता है और जो सिल्क जो सिल्क होते हैं जो सिल्क प्राप्त किया जाता है वह सिल्क फाइबर जो होता है वह सेरिस और फाइब्रोइन नामक प्रोटीन का बना हुआ होता है तो इस तरह से ये जो फाइबर्स दो तरह के नेचुरल और आर्टिफिशियल अथवा मैनमेड आइए चूंकि आप नेचुरल फाइबर्स पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं इस क्लास में आपको पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में तो आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स ये जो सबसे पहला जो है वह है रेऑन पहला सिंथेटिक फाइबर इसमें जो आपको पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे आप रेयान, रेयान के बारे में ये रेयान के बारे में आप पढ़ेंगे देखो रेयान इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली रेयान पहला आर्टिफिशियल फाइबर है जिसे पहले बार बनाया गया था तो रेयान फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जिसे आर्टिफिशियली है पहले बनाया गया था इसे कहा से प्राप्त करते हैं इट इज आप फ्रॉम सेलुलोज़ ऑफ वुड पल्प वुड पल्प के सेलुलोज से रेयान प्राप्त किया जाता है चूंकि ये जो अब आप किस दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर कि जो रेन है उसे हम वुड पल्प से प्राप्त करते हैं वुड पल्प लकड़ी के से तो फिर हम इसे आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं क्योंकि ये तो पौधों से प्राप्त हो रहा है, पौधे के स्टेम से प्राप्त हो रहा है, उसके पल्प से प्राप्त होता है फिर हम इसे क्यों हम आर्टिफिशियल कहते हैं इसे तो नेचुरल कहना चाहिए लेकिन आपको बताएँ ये भले ही इसको जो है नेचुरल ये पॉलीमर है लेकिन लेकिन इसको बनाने में बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है इसलिए इसे हम आर्टिफिशियल अथवा मैन मेड फाइबर कहते हैं ये जो रेन है ये अट्ठारह से फ्रांस में जो है इसका निर्माण शुरू हुआ और रेान इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क आल्सो रेन को आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि देखने में बिल्कुल सिल्क के जैसा ही दिखाई देता है लगता है कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क एज इट हैज सिल्क लाइक एपियरेंस इसका जो एपियरेंस होता है वह सिल्क के जैसा होता है इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं आइए देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जो कहते होता है रेयान ये गुड एबजॉर्वेंट एंड डज नॉट श्रिंक रेयान इज गुड एबजॉर्वमेंट और एंड डज नॉट श्रिंक बहुत अच्छा एबजॉर्वमेंट अच्छा होता है और श्रिंक भी नहीं होता है और यह इट इज कूल टू वीयर पहनने में जो है कूल cool होता है और इसे इट इज डाइड इन डिफरेंट कलर्स इजीली इसे हम आसानी से जिस कलर में चाहें उस कलर में हम इसको डाई कर सकते हैं तो ये कुछ प्रॉपर्टी रही रेन की आइए देखते हैं एडवांटेज क्या है एडवांटेज एंड यूजेज ऑफ रेन रेन की एडवांटेज इज चीपर टू प्रोड्यूस कंपेयर टू नेचुरल फाइबर करें कि कम अगर नेचुरल फाइबर चूँकि बहुत कॉस्टली होता है इसके जगह पे अगर हमें रेन को लेते हैं तो हमें नेचुरल फाइबर के जैसा फीलिंग होती है और यह फीलिंग तो होती है नेचुरल फाइबर जैसे और यह सस्ता भी होता है इट इज़ चीपर और इसे आसानी से नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स किया जा सकता है जैसे ऊल हो गया काटन हो गया अन्य फाइबर के साथ इसे आसानी से मिक्स किया जा सकता है और इसका टेक्सटाइल और कारपेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका प्रयोग जो है बैंडेज को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है तो स्टूडेंट्स वीडियो लगभग पंद्रह मिनट का हो चुका तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत और एक बात और याद रखिए देखो जितने भी वीडियो हमने बनाया सिक्स का सिक्स में तो बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने हमारे चैनल को बहुत सब्सक्राइब किया है सिक्स के बच्चे जो हैं वह लगभग 150-150 के आसपास सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन नेट वालों को देखो ये आज तक अभी जो है इतने बड़े हो करके इतने मेहनत पढ़ा पढ़ा रहे हैं देखो पसीना दिखाई दे रहा है तुमको देखो कितना मेहनत करते हैं इतने गर्मी में जो है आदमी वीडियो बनाता है देखते नहीं हो अगर कम तो हम चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो तो ताकि पता चले कि कौन कौन पढ़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग एट वाले और कहीं डाउट होता है पूछिए और चैनल सब्सक्राइब करते हो तुरंत हमारे पास कमेंट मैसेज आता है कि ये ने इसने सब्सक्राइब किया और पढ़ने के बाद उसमें कमेंट करके हमें बताओ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जैसे ही हम कोई मटेरियल हम आप डालें तुरंत जो है आपके पास पहुंच जाए तो उम्मीद करता हूं कि हमारी उम्मीद पर आप खड़े उतरेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वह नाम आपका हमारे पास आए तो आज की वीडियो बस इतना ही बाय बाय जय हिंद जय भारत स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए